क्या हाल चाल है सभी लोगों के? भाई देखो, सभी का सीजीएल वगैरह एग्जाम है, ठीक है ना। सीए फाउंडेशन के एग्जाम आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम लाइनअप में रहते हैं। एक महीने बाद आरआरबी का एग्जाम है, तो बड़ी सारी क्वेरीज रहती है बच्चों की कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ते बैठते हैं तो पता नहीं क्या क्या होने लगता है, दिन में घुटघुट होती है, चुट चुट होती है, पुट पुट होती है। तो एन नंबर ऑफ चीजें हो रही होती है बच्चों की लाइफ में। कुछ बच्चों की क्वेरी ये रहती है कि सर हम टेस्ट देते हैं, हमारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, क्या करें ऐसा कि भाई जादू हो जाए। तो देखो भाई बच्चों, एक तो बात यह है कि अगर देखो तुमने अभी तक कभी पढ़ाई नहीं करी है ना, मतलब तुमने अभी तक कोई स्टडी नहीं करी थी, आप पीछे 8 साल 10 साल से ऐसे ही रहे हो कि भाई किसी से कॉपी मांग ली, काम कर लिया, हो गया, चल गया, है ना। अब सडनली आप चाह रहे हो सीरियस होना है पढ़ाई में, तो ओवरनाइट तो कुछ होने वाला है नहीं। तो यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ गुड टाइम। आपको चाहिए थोड़ा सा समय, दो अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेली प्रैक्टिस करो, डेली पढ़ाई करो। जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे, जितना ज्यादा तुम हार्डवर्क करोगे, जितना ज्यादा तुम अपने आप को पुश करोगे, उतना बेहतर फील करोगे, उतना ज्यादा तुम ग्रो करने के तुम्हारे चांसेस बढ़ेंगे। एक बात तो है। दूसरी बात, बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सर जब भी मैं बोलता हूँ पढ़ना है, मेहनत करना है, तो बच्चों को लगता है कि यार 8 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा। नहीं भाई, आप अपने सोने के शेड्यूल को फिक्स कर लो। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत होती है, और उसके बाद आप देखो कि आपको दिन भर में क्या कितने प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, कितनी आपको कहाँ आप लैक कर रहे हो। भाई देखो, किसी का जीएस अच्छा होता है, किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, किसी का सब कुछ अच्छा होता है, किसी का कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो आप अपने आप को सेल्फ एवल्यूट करो, देखो आपकी भाई आपकी क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, और उसके बाद आप क्या करो उस पर काम करो। देखो बच्चों, सीधी सी बात यह है कि आपको ज्ञान कोई भी दे देगा, मैं दे दे रहा हूँ, कोई भी दे देगा। अल्टीमेटली ज्ञान देने का फायदा क्या है कि जब आप उस ज्ञान को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो, नहीं तो ज्ञान व्यान देने का कोई फायदा नहीं है। प्रवचन है गुरु जी के और वो खत्म हो जाने, ठीक है, सदियों से आपको देते आ रहे हैं लोग, सदियों तक आगे देते आएंगे, बट अल्टीमेटली आप खुद ही अपने आप में ज्ञानी हो। आपको सबको पता है कि क्या करना होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर सीजीएल कैसे क्रैक होता है, सर जी हमारे यूपीएससी का एग्जाम कैसे क्रैक होगा, सर जी ऐसे कैसे क्रैक होगा, वैसे कैसे क्रैक होगा। अबे पढ़ने से क्रैक होगा, पढ़ो, आइसोलेट करो अपने आप को, दुनिया से कट डाउन करो। तुम बेबी बाबू बूबू सोना भी खेलोगे, तुमको लगेगा कि हम आइसक्रीम भी खा लें, हाँ हम उनको आइसक्रीम खिला लें, हमको चॉपस्टिक से खिला लें, ओ मेरे बच्चा ऐसा भी कर लें, और फिर उसके बाद आप पढ़ भी लो। यार सब कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, बिना मरे जन्नत नहीं मिला करती भैया, स्वर्ग भी देखने की इच्छा है, मरना भी नहीं चाहते हो, ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब बकवास हो गई ना। देखो महादेव का महीना चल रहा है, सत्य तो ये है बच्चों कि महादेव इसलिए महादेव है क्योंकि महादेव ने पिया जहर। सेक्रीफाइसेस मेक द पीपल। जब आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हो, जब आप अपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने को तैयार होते हो, देखो चद्दर बुलाता है पर जाने का नहीं, नींद बुलाती है। किसी को पढ़ने में मजा नहीं आता, जो भी लोग ये कहते हैं ना पढ़ाई में मजा आता है, सब झूठ बोलते। सच बता रहा हूं मैं तुम्हें, कोई मजा वजा नहीं है पढ़ाई पढ़ाई में। किसको मजा आता है किताबें पढ़ने में? फ्रिक्शन बुक छोड़ दो, माना किसको मजा आता है इकोनॉमिक्स पढ़ने में? यार वो पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि उनको पता है कि आउटपुट क्या आना है उसका। ये मजे क्या होता है? मजा तो एक डोपामिन होता है जो रिलीज होता है किसी काम को करने से। अब तुम्हें जिन चीजों में मजा आता है वो करने लगे तो मर ही जाओगे। बता ना, समझ लो ना, किन किन चीजों में मजा आता है तुम लोगों को? तो पूरे दिन तुम्हें तो नेटफ्लिक्स में मजा आता है, तो पूरे दिन वो कर लो फिर मजे वाले काम। लोग कहते हैं ना वो काम करो जिसमें मजा आता है, अब फालतू की बात है, काम वो करो जिसमें मजा नहीं आता फिर भी काम करना है। क्यों? क्योंकि काम करना है, क्योंकि काम ही पूजा है, पूजा ही काम है। अब वो वाली पूजा नहीं, निकम्मो, समझ रही है। और ये जो दीदियां हैं इनको स्पेशली बता दे रहा हूँ, बहनों आप लोग तो ज्यादा मेहनत करो। देखो एक समाज में लड़का पढ़े ना पढ़े नल्ला रह जाए, वो कुछ ना कुछ करके जीवन यापन कर लेगा, पर एक लड़की का बेहतर बनना, उज्जवल बनना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो आईने को थोड़ा साइड रखो, किताबों को थोड़ा पास रखो, और तैयारी में लगो। जितनी ज्यादा हार्डवर्क कर सकते हो, जितना ज्यादा अपने आप को रिडिफाइन कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो, उतना ज्यादा अपने ऊपर टाइम दो। टाइम टेबल बनाओ, 3 हिस्सों में अपने टाइम टेबल को बांटो, जिसमें एक दिन का काम आज का क्या काम है, एक हफ्ते में कितना काम कंप्लीट करना है, और एक महीने में कितना काम कंप्लीट करना है। इस बारे में शेड्यूल बनाओ और बैठ के तैयारी करो। और अगर उसके बाद भी मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो भैया दीवार पे लिख दो,
ठीक है, कि का होगा अगर नहीं पढ़े तो। तुम्हें पता होना चाहिए ना तुम किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हो। अगर तुम्हारे पिताजी के पास ऐसा है कि 700-800 करोड़ की प्रॉपर्टी रख रखे, तो मैं भी कहूंगा मत पढ़ भैया, तुम देखो न्यूयॉर्क व्यूयॉर्क जाओ, है लास वेगस वगैरह में जाओ, पटाया वटाया जाओ, बैंकॉक वगैरह जाओ, जीवन है क्या जीवन है, गोवा वोवा जाओ, लाल रंग के कच्छे में भागो। बट अगर तुम्हारे पापा के अकाउंट में 80,000 रुपये पड़े हैं, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा भैया कि तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर कहाँ चलोगे। और पढ़ाई की बात नहीं कि सिर्फ पढ़ना ही है, तुम्हें क्या करना है ये डिसाइड करो, और फिर उसके पास झूम के गिर के टूट के मेहनत करो। तुम्हें लग रहा है तुम डांसर बन सकते हो, तो रैम्बो डिसूजा जैसा बनने की कोशिश करो, टेरेंस जैसा बनने की कोशिश करो, ठीक है। तुमको लगता है तुम सिंगर बन सकते हो, आतिफ असलम जैसा बनने की कोशिश करो, आपका क्या कहते हैं आपके नाम लता मंगेशकर जैसा बनने की कोशिश करो। आपको लगता है क्रिकेटर बन सकते हो, विराट कोहली जैसा बनने की कोशिश करो, सचिन तेंदुलकर जैसा बनने की कोशिश करो। आपको लगता है कि भाई मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, तो टॉप सर्जन बनने की कोशिश करो। तो दिस इज पॉइंट ना, कि आपको बनना क्या है, पहले गोल क्लियर कर लो और उसके ऊपर जम के मतलब एकदम टूट के बिखर जाने तक की मेहनत कर डालो, फिर देखो हुआ तो ठीक, नहीं तो कम से कम अपने बेस्ट वर्जन तो बन के निकलोगे यार। अरे मजे है जीवन, क्या है वॉरियर, हारा वो जो लड़ा नहीं, जो लड़ा है वो तो मजा है। मतलब यार हम भगत सिंह को याद इसलिए रखते हैं क्योंकि भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में जान दे दी। भाई वो भी चाहते तो भाई किसी महबूबा की बाहों में पड़े रहते, जीवन अच्छा कट जाता। चंद्रशेखर आजाद जी ने जान दे दी अपनी, वो भी चाहते थे जिंदगी मजे से कट जाती। इन लोगों ने क्यों करा, क्योंकि इन्हें पता था इनको चाहिए क्या। तुम ढूंढो तुमको क्या चाहिए, अब बस टूट पड़ो, लग पड़ो, गिर पड़ो, मर पड़ो, पर ले लो उसे, मजे करो उसके साथ। लक्ष्य ऐसा बनाओ, गोल ऐसा बनाओ, जिस गोल में ही क्या हो सब कुछ हो। बात बाकी तुम सब लोग ज्ञानी हो, मैं बड़ा तुच्छ सा व्यक्ति हूँ, चीजों को जितना जानता हूँ, जितना मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, मैं उतनी ही चीजें आपको समझा सकता हूँ। मेरी बेस्ट विशेज हैं, अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो। जीएस के कोर्सेज आ रहे हैं, आप पढ़ सकते हो, फ्री में भी हैं, पेड में भी हैं, प्योर इन्फॉर्मेशन हो तो बिल्कुल बता सकते हो। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली बार।